आई टाइप करो अगर आया था। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ललित और बाकी बच्चे भी एक बार टाइप कीजिए, अगर आया था लिंक तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। हाँ लिंक आया था बच्चे। देखिए, गुड इवनिंग एवरीवन, हम क्लास 9th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम क्षेत्र मिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने कितना कवर कर लिया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखो, बेलन एक ऐसी आकृति होती है जो पाइप के जैसी होती है या फिर हमारे ग्लास के जैसी होती है। इसमें ऊपर और नीचे दो आधार होते हैं, दोनों ही कैसे होते हैं, वृत्ताकार यानी कि वृत्त के बने होते हैं। ठीक है, बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल हमने याद किया था कितना होता है, 2 पाई आर एच, यानी कि 2 पाई आर एच होता है। अगर सभी के मान भरते हैं, देखो 2 का मान तो 2 ही रहेगा, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर। अगर हमें आर और एच का मान पता लग जाए बेलन का, यानी कि अगर हमें आर और एच का मान पता लग जाए, तो हम 2 पाई आर एच के अंदर मान भर के हम बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर हमारा आर और एच का मान सेंटीमीटर में, तो आपको कहोगे सर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और अगर हमारा आर और एच का मान मीटर में, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर हम दोनों ही आधार का क्षेत्रफल क्या कर दे, जोड़ दे, जैसे कि हमारा वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर। लेकिन पर हमारे पास में दो वृत्त है तो कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वेयर। जब आप गुड इसके अंदर, इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूमिका, जब आप इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वेयर जोड़ दोगे तो आपने कहा सर 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई आर, और ये बच जाएगा एच प्लस आर। ठीक है, फिर से वही चीज हम कहेंगे कि अगर हमारा आर और एच का मान, अगर आर और एच का मान सेंटीमीटर में होगा तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और अगर हमारा आर और एच का मान मीटर में होगा तो क्षेत्रफल हमारे हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये सभी बच्चे इस सूत्र याद कर लो कि जो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, यानी कि जिस ग्लास के अंदर या फिर जिस पाइप के ऊपर, सिर्फ वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है कि आपने या तो पाइप के ऊपर सिर्फ रंग को देखा है, यानी कि आप उसके वृत्तों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और जो हमारा टोटल होता है, हमारे पास में जो कुल होता है, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है हमारे पास में, 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, बेलन का जो रंग होता है वो तो होता ही होता है, यानी कि जो पाइप का रंग या डिजाइन वाला पार्ट होता है उसके अंदर आप दोनों ही आधार को भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपके सामने एक सवाल है और हम कर देते हैं आपका चैट सेक्शन बंद। सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ना, पढ़ने के बाद इसको समझना, और समझने के बाद आप लोग इसको हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। एक बार हम आपको समझा देते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक बेलनाकार खिलौना, यानी कि एक खिलौना है जो बेलन के आकार का है, कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, आपने लिख दिया सर एक खिलौना है वो बेलन के आकार का है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। और आधार का परिमाप, अब देखो बेलन है तो उसका आधार कैसा होता है, आपको कि सर अगर बेलन है तो सर उसका आधार वृत्ताकार होता है, सर उसका आधार वृत्ताकार होता है, और आपको इस वृत्त का परिधि यानी कि इसका परिमाप कितना दे दिया गया है, आपको सर वृत्त का परिमाप हमको दे दिया गया है 20 पाई सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि अगर हम एक बेलनाकार खिलौना बनाए, अगर हम एक बेलनाकार खिलौना बनाए जिसकी ऊंचाई तो 25 सेंटीमीटर हो और उसके आधार का परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर हो, तो बताइए उस खिलौने को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, यानी कि जो खिलौना आपने बनाया होगा वो कितने प्लास्टिक में बनकर तैयार हुआ होगा। अब देखो खिलौना है तो आप कहोगे सर इसके अंदर वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल तो हो गई होगा, साथ में आपने खिलौने के दोनों आधार लगाए होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा गया है कि बताइए इस बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, क्योंकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो। सूत्र के अंदर आप एच का मान भरो और हमें आर का मान दिया नहीं गया है, तो आर का मान कहाँ से भरेंगे, यानी कि सर हम आर का मान इसके परिमाप से निकाल करके भर देंगे। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। चलिए, 7:07 हो रहे हैं और 7:09 तक का आप लोगों के पास में टाइम है। हमने आपको समझा दिया है कि एक खिलौना जो बेलन के आकार का है उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है,
यानी कि बेलन की ऊंचाई हमें 25 सेंटीमीटर मिली है। आधार का परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि बेलन का आधार एक वृत्त होता है, यानी कि हमें वृत्त का परिमाप मिल गया 20 पाई। यहां से हम त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, तो हम त्रिज्या का मान भी निकाल लेंगे। और फिर हमसे पूछा गया कि बताइए इस खिलौने को बनाने के लिए कितना हमने प्लास्टिक लगाया होगा, यानी कि हमसे पूछा गया कि बताइए इस खिलौने का कितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सभी बच्चे अब इसको क्या करें, हल जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अच्छा, आप इतनी लेट क्यों आ रहे हो बच्चे? लिंक तो गया था ना सभी के पास में टाइम से? आप क्लास भी टाइम से ज्वाइन कर लिया करो बच्चे, वरना तो फिर आपका छूट जाता है। चलिए अब आपका टाइम हो गया है बच्चे, जल्दी से 7:09 हो गया है, तो बाकी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में 20 सेकंड है, क्योंकि आपको हमने पूरा टाइम दे दिया है 2 मिनट का, और बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी क्या करें, इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि बच्चों ने सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन को छोड़ करके चैट सेक्शन में जाएंगे, और जिन बच्चों के पास में बच्चे हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया और किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, बताओ इस तरीके से कैसे पता लगेगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलिए कार्तिक का आंसर आया, बाकी बच्चे लोकेश, ललित, सपना, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है, देखो बच्चे आंसर तो आप क्या करो, जब तक आप आंसर नहीं करोगे जब तक कैसे पता लगेगा किसी बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए क्या दिया गया आपको, एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर है, यानी कि हमसे एक बेलन के बारे में बात की जा रही है, और उस बेलन की ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे सर उस बेलन की ऊंचाई तो है 25 सेंटीमीटर, और जो उस बेलन का आधार है, आप कहोगे सर बेलन का आधार तो क्या होता है, वृत्त होता है, यानी कि हमें सर वृत्त का परिमाप दे दिया गया है कि जो वृत्त का परिमाप है वो कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर वृत्त का परिमाप है हमारे पास में 20 पाई सेंटीमीटर। पूछा गया क्या हमसे, हमसे पूछा गया कि बताइए इस बेलनाकार खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे सर जो बेलनाकार खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप कहोगे सर सूत्र होता है 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर h+r। चलिए सभी का मान भरते हैं, जब आप इनका मान भरोगे सर 2 का मान तो 2 ही रहेगा, सर पाई का मान अभी भर देंगे 22/7 होता है, सर हमें आर का मान नहीं पता, सर हमें एच का मान 25 पता है, और सर हमें आर का मान नहीं पता, यानी कि अगर सिर्फ हमें आर का मान मिल जाए तो हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता देंगे कितना होगा।
अब आर का मान निकालने के लिए सर हमने एच का तो मान इस्तेमाल कर लिया, लेकिन पर जो हमें सवाल के अंदर वृत्त का परिमाप दे रखा है वो इस्तेमाल नहीं किया। चलिए वृत्त का परिमाप इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको सर वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इस 2 पाई आर का मान हमें दिया गया सर 20 पाई। हमें आर का मान निकालना है तो आर इधर ही रहेगा, ये कितना हो गया 20 पाई गुणा इधर 2/1 था, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 मान लेते हैं। और इधर आपको पता है इधर दूसरी तरफ आने पर भिन्न पलट जाती है, 2/1 हो गया। इधर पाई बटे 1 था और इधर आने के बाद में कितना हो गया वो 1/π हो गया। सर पाई से तो पाई कट गया और 2 से 20 कट गया 10 टाइम पर। सर आर का मान आ गया 10, और सर मान सेंटीमीटर में था परिमाप का, तो आपने कहा सर त्रिज्या का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। चलिए इस मान को कहाँ भर देते हैं, इस मान को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर भर देते हैं कि सर आर का मान आ गया हमारे पास में 10। और आप जानते हो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट कॉल करना होता है। तो सर आपने कहा 25 और 10 कितना हो गया 35, लिख दिया 35 गुणा गुणा क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में सर कोई भी चिन्ह नहीं है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह माना जाएगा, तो आपने सर गुणा का चिन्ह लगा दिया। यानी कि आपने लिखा 10 गुणा पाई गुणा 2, यानी कि आपने इसके अंदर आर का मान भर दिया। और आप जानते हो कि 35 धाम कितना होता है 350, और 350 की गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका होगा सर 700 पाई। सर इसका आंसर आएगा 700 पाई। अगर इसका आंसर 700 पाई नहीं आएगा तो सर पाई का मान रख देते हैं, यानी कि 700 गुणा 22/7, 7 से कट गया 700 कितने टाइम में, 100 टाइम में, और 22 गुणा 100 कितना हो गया, आपका होगा सर 2200। सर इसके दो आंसर हैं, या तो 700 पाई या फिर 2200। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो प्लीज आप वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करें। ठीक है, शायद सभी को समझ में आ गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। देखिए सर इसका आंसर या तो होगा 700 पाई, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है, वरना तो सर इसका आंसर होता 2200, और सर 2200 के लिए कोई भी ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया। परवीन के नाम से एक बच्चे हैं, उनको शायद समझ में नहीं आया परवीन कैसा ना। चलिए बाकी सभी को समझ में आ गया। ठीक है परवीन, हम आपको क्लास के लास्ट में एक बार रो बता देंगे बच्चे, क्लास जब एंड होने वाली होगी उसके 5 मिनट में, बाकी अभी हम लोग आगे चलते हैं, फिर सभी को समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, आज हम पढ़ेंगे सर आयतन के बारे में कि आयतन क्या होता है, और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आयतन की इकाइयों के बारे में कि आयतन की इकाइयां कौन कौन सी होती है। यानी कि दो चीज तुम्हारे पास में होगी, एक तो हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे आयतन की इकाइयों के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे उनका रूपांतरण, किनका रूपांतरण, इकाइयों का, कि आयतन की अलग अलग इकाइयां होंगी, फिर हम एक इकाई से दूसरे इकाई के अंदर जाना सीखेंगे कि हम इनको कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लेंगे कि आज हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में और आयतन की इकाइयों के बारे में। ठीक है, देखिए आयतन क्या होता है, आप कहोगे सर जो आयतन होता है उसकी परिभाषा जो लिखी गई है कि ठोस वस्तु के द्वारा, ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी कि अगर किसी वस्तु ने कुछ स्थान घेर लिया है, और अगर हम उस पूरे स्थान को माप लें कि उसने कितना स्थान घेरा है, तो वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पर बर्फ के टुकड़े हैं, इन्होंने कुछ स्थान घेर रखा है, अगर आप पूरे के पूरे स्थान को माप लोगे तो आप इसके किसके बारे में बात बता दोगे कि आपने इसके आयतन को माप लिया है। जैसे कि ये क्यूब है पासा जो बच्चे खेलते बनाने के लिए, तो इसने जितना भी स्थान घेर लिया है, अगर आप पूरे स्थान को माप लोगे तो आप किसके बारे में बता दोगे, आप इस क्यूब के यानी कि पासे के आयतन के बारे में बता दोगे। और ये क्या दिख रहा है हमें, बॉल दिख रही है। अगर आप इस बॉल के ये माप लोगे कि इस बॉल ने कितना स्थान घेरा है पूरा, तो आप इस बॉल के आयतन के बारे में बता दोगे कि इस बॉल का आयतन कितना है। हमें याद रखना है कि जो बॉल होती है, इस वाली आकृति को हिंदी में गोला बोला जाता है और इंग्लिश में इसको स्फीयर बोला जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, इस वस्तु ने जितना भी स्थान घेर लिया है, अगर आप उसे निकाल लोगे कि इसने कितना स्थान घेर लिया है, तो आप उसका आयतन बता दोगे कि ये इसका आयतन है। जैसे कि आपने अगर अपनी बुक एनसीईआरटी मैथ की बुक अगर आपने अपने टेबल पर रख दी है, मेज पर रख दी है, तो इसने कुछ तो टेबल का यानी कि मेज का कुछ तो क्षेत्रफल घेर लिया है, और कुछ इस बुक ने कुछ स्थान हवा में भी घेर रखा है। अगर आप पूरे स्थान को निकाल लोगे तो आप इस बुक का आयतन बता दोगे कि इस बुक का इतना आयतन है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई परिभाषा के अकॉर्डिंग बात, चलो ये हो गई आयतन की बात। और अगर हम देखें
कि यदि कोई वस्तु रिक्त या खोखली है, जैसे कि हमारा कमरा खोखला है, हम उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, यदि कोई वस्तु रिक्त या खोखली है तो उसके अभ्यंतर भरे जाने वाला द्रव, हवा या पानी उसकी धारिता यानी कि कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि अगर कोई वस्तु हमारी खोखली है तो उसके अंदर आप जितना भी द्रव भर सकते हो उसको द्रव से पूरा भर दो, या फिर आप उसको हवा से पूरा भर दो, या फिर आप उसको पानी से पूरा भर दो, तो आप उसकी यानी कि उसकी धारिता यानी कि कैपेसिटी के बारे में बता दोगे कि इस खोखली वस्तु की कितनी धारिता या कैपेसिटी है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है कि जैसे हमारा कमरा खोखला होता है, आप इस कमरे के अंदर जा सकते हो, यानी कि ये कैसा कमरा है, खोखला कमरा है, तो इस कमरे के अंदर अगर आप इस कमरे को पूरा भर दो, हवा से भर दो या द्रव से भर दो या पानी से भर दो, तो जितना भी उसके अंदर पानी आ जाएगा, अगर आपने उसको माप लिया तो आप कह दोगे सर इस कमरे की कैपेसिटी यानी कि धारिता इतनी है, जितनी भी आपने इसके अंदर या तो हवा भरी है या फिर आपने पानी भरा है। आप सभी बच्चे सिर्फ हमें वाई टाइप करके बताना अगर आपको समझ में आ गया है। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशबू। अगर आपको समझ में आ गया कि आयतन क्या होता है, और अगर आपको आयतन और कैपेसिटी यानी कि धारिता का अंतर समझ में आ गया है तो आप हमें बताइए। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भी भेज सकते हैं। देखिए सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है आयतन और धारिता में। आयतन क्या होता है, किसी ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान वो आयतन कहलाता है, यानी कि वो वस्तु ठोस है, वो खोखली नहीं है, और उसने जितना स्थान घेर लिया है वो उसका आयतन है। या फिर अगर कोई वस्तु खाली है, खोखली है, तो उसके अंदर जितना भी आप भर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हवा भर सकते हो, द्रव भर सकते हो या पानी भर सकते हो, तो जितना भी आप भरोगे उसको मापने के बाद आप बता दोगे कि ये इस वस्तु की कैपेसिटी यानी कि धारिता है। ठीक है, चलिए इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे कि जैसे कि अगर आप इन उदाहरण में देखोगे तो ये हमारे पास में क्या एक डब्बा है, आप इस डब्बे का आयतन भी बता सकते हो और धारिता भी। क्यों? क्योंकि इस डब्बे ने जितना भी स्थान घेर लिया वो उसका आयतन है, और इसके अंदर जितनी भी चीज आप भर सकते हो यानी कि आप इसको माप सकते हो, तो इस डब्बे की क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। इसी तरीके से आप इस बीकर को देख पा रहे हो, इस बीकर के अंदर जो भी चीज आप भर दोगे और भर के आप माप लोगे तो वो इस बीकर की धारिता कहलाएगी कि इस बीकर के अंदर हम इतना सामान भर सकते हैं, यानी कि इस बीकर की कैपेसिटी है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक जग दिखाया गया है, जग के अंदर आपने कुछ पानी भरा, लिक्विड भरा, और अब जब आप इस लिक्विड को नाप लोगे तो आप बता दोगे कि हाँ इस जग की इतनी कैपेसिटी यानी कि धारिता है, कि इसने इतने पानी या तरफ को होल्ड करा यानी कि अपने अंदर रखा है। ठीक है, लेकिन पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लिखा है 1 लीटर, यानी कि आपको इतना पता लग गया सर जो धारिता होती है उसको हम लीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, लीटर में। सर आज तक तो हम पढ़ते आ रहे थे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, फिर सर आपने इन्हीं का स्क्वायर करा दिया, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, पर सर ये नया वर्ड कहाँ से आ गया लीटर, कि लीटर क्या होता है। यानी कि आज हम कुछ नई इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हमारी पुरानी इकाइयां होंगी, और फिर हम उनका रूपांतरण देखेंगे कि उनको एक इकाई से दूसरी इकाई में हम कैसे बदलते हैं। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो आप एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि धारिता क्या होती है, यानी कि किसी भी आकृति के अंदर भरे जाने वाला द्रव जब आप उसको माप लेते हो तो वो उसकी धारिता के बारे में बता देता है कि इस बीकर की या फिर इस आकृति की धारिता कितनी होगी। चलिए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो जहां से आपका बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जा रही है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आयतन का मान सदैव घन मात्रक के साथ लिखा जाता है, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। हम आपको एक चीज थोड़ी सी रिवाइज कराएंगे कि सर हमने लंबाई की इकाई के बारे में पढ़ा था, कि सर हमने लंबाई की इकाई के बारे में पढ़ा था, और आपने लंबाई में पूरा टेबल बताया था सर, एक होता है किलोमीटर, एक होता है हेक्टोमीटर, एक होता है डेकामीटर, एक होता है मीटर, एक होता है डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, और एक होता है मिलीमीटर। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो हमने लिख दिया है, प्लीज इसको एक बार अभी याद कर लो। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई के बारे में। सर हाँ, आपने हमें क्षेत्रफल के बारे में बताया था, क्षेत्रफल के बारे में, और अगर हम ज्यादा, हाँ ठीक है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा बात करें तो हमने सर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर बहुत इस्तेमाल किया है क्षेत्रफल में। आप हर एग्जाम्पल में कहते हो कि सर अगर इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में होगी तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर में स्क्वायर में आएगा, अगर मीटर में होगी तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, जी और अगर मिलीमीटर में होगी तो क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, लेकिन पर सर अगर हम आयतन की बात करें तो सर लंबाई के बारे में सीख लिया,
क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा आयतन का है। तो सर जो आयतन की अगर बात की जाए, जैसे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है सर, वैसे ही हम याद कर लेंगे कि जो आयतन लिखा जाता है सर वो सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में या फिर मिलीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि जैसे क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है, वैसे ही आयतन को लिखने के लिए हम घात 3 यानी कि क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आयतन तीनों विमाओं के प्रोडक्ट से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है कि जो आयतन लिखा जाता है वो क्यूब के साथ लिखा जाता है, यानी कि क्यूबिक यूनिट घन मात्रक के साथ लिखा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो बात हो गई सर, ये तो आयतन की बात हो गई, यानी कि सर हमें एक चीज समझ में आ गई कि आयतन अगर हमारा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब में लिखा जा रहा है, तो सर हम आयतन को इन सब में भी लिख सकते हैं, किलोमीटर क्यूब, हेक्टोमीटर क्यूब, डेकामीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में बिल्कुल लिख सकते हैं। सर ये क्यूब समझ में आ गया, तो ये लीटर क्या है? ये लीटर तो अभी तक नहीं हटा स्क्रीन से, ये लीटर क्या है? तो अब हम इनके बारे में भी सीखते हैं कि सारी चीजें क्या है। ठीक है, चलिए अब आप देखो आयतन की इकाइयां क्या क्या होती है। प्लीज कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, फिर बच्चों आपको समझ में नहीं आता, आप स्क्रीन पर देखने पर ज्यादा ध्यान लगाइए। देखिए घन यानी कि जो आयतन की इकाइयां होती है सर, अभी इस पढ़ाया था आपने, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब होती है। तो सर जो आप बार बार लीटर पूछ रहे हो सर, वो आयतन की इकाई नहीं है सर, वो धारिता की इकाई है, लीटर, मिलीलीटर। अब आप कहोगे सर मिलीलीटर क्या होता है? सर मिलीलीटर एक छोटी इकाई होती है, जैसे कि जो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाई जाती है सुइयां, वो मिलीलीटर के लगाई जाती है। जो आपकी आई ड्रॉप्स आती है वो बहुत छोटी छोटी आती है, वो मिलीलीटर में आती है। लीटर सर हम जो सॉरी जो दूध लेकर आते हैं चाय बनाने के लिए सर, वो लीटर में या फिर मिली लीटर में लेकर आते हैं, क्योंकि अगर आप आधे लीटर का पैकेट लेकर आते हैं तो उस पर लिखा होता है 500 ml। ठीक है, चलो सर हमें पता लग गया कि लीटर में हम दूध लेकर आते हैं। सर और क्या लेकर आते हैं? सर जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, स्कूटी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, बाइक के अंदर सर वो भी लीटर में डलवाते हैं। चलो सर दूसरा समझ में आ गया कि पेट्रोल हो गया हमारा। बाकी सर लीटर कहाँ इस्तेमाल आता है? सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपने सुना होगा डीजल में, नहीं बच्चे? सर लीटर में हमने सबसे ज्यादा इस्तेमाल सुना है। कि सर दूध समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, कभी किसी बच्चे ने ऐसा कहा है कि हमें 2 m³ की कोल्ड ड्रिंक दे दो, या फिर किसी बच्चे ने कहा है 2 cm³ की कोल्ड ड्रिंक दे दो? आप दुकान पे जाते हो, कहते हो सर हमें 2 लीटर की चाहिए, 1 लीटर की चाहिए, आधे लीटर की चाहिए, 250 ml की चाहिए। यानी कि जब आप कोल्ड ड्रिंक की बात करते हो तो आप कभी नहीं कहते 2 m³, 2 cm³, ऐसे आप कहते हो लीटर में चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, जूस वगैरह। तो आपको दोनों इकाइयों के अंदर अंतर समझ में आया कि जो आयतन होता है वो ठोस आकृतियों का होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। अब ये ठोस का ही नहीं होता, इनको खोखला भी बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारा कमरा है, मुझे जो दिखाई थी ना वो है इसमें। बच्चे माइक बंद प्लीज। जैसे कि हमारा कमरा है घनाभ के आकार का, खोखला कमरा है, लेकिन पर इस कमरे की जो विमाएं हैं, जो आपकी जो भुजाएं हैं कमरे की, वो तो शायद मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में कुछ हो गई। यानी कि इनको हम खोखला भी बना सकते हैं, और हम जानते हैं कि जब हम इनको खोखला बना देते हैं तो सर खोखले के अंदर तो हम लीटर, मिलीलीटर इन सबको भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सर कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ भी लिंक है कि आयतन की इकाइयों को हम धारिता में बदल सकते हैं और धारिता की इकाइयों को हम आयतन की इकाइयों में बदल सकते हैं। इतना समझ में आया सभी को? अगर इतना समझ में आ गया कि हाँ सर हम इन इकाइयों को आपस में बदल सकते हैं, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि सर अगर हमने कमरा खोखला बना दिया तो उस कमरे के अंदर तो हम लीटर में पानी भर सकते हैं, लेकिन पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो हमारी मीटर, सेंटीमीटर में हो सकती है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया। तो अब हम सीखेंगे आयतन की इकाइयों का रूपांतरण। जैसे कि हमने आयतन की अभी कुछ इकाइयां सीखी थी, जैसे कि सर हमने सीखा था मीटर क्यूब के बारे में, सर हमने सीखा था क्यूब के बारे में, सेंटीमीटर क्यूब के बारे में और मिलीमीटर क्यूब के बारे में। अभी हम इनका रूपांतरण सीखेंगे कि कैसे करते हैं। अच्छा, हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो लंबाई की इकाई होती है, फिर से एक बार बता देते हैं कि किलोमीटर होती है, हेक्टोमीटर होती है, डेकामीटर होती है, मीटर होती है, डेसीमीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। जिस बच्चे को याद नहीं है वो याद करते रहो साथ के साथ ही। लेकिन पर सर हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो सर हम क्या करेंगे? सर हम ऐसे करेंगे, एक गैप, दो गैप, सर दो गैप है। अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो सर हम 100 से गुणा कर देंगे, और अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे
तो सर हम 100 से भाग कर देंगे। अगर इतना आप सभी को याद है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर, जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे, दो गैप है, तो सर हम 100 से गुणा कर देंगे, और जब हम सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो सर हम उल्टे आ रहे हैं, तो दो गैप है तो हम 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्यूब के बारे में। अब इसका क्यूब से क्या संबंध है? इसका क्यूब से यह संबंध है कि मीटर से सिर्फ डेसीमीटर आया और फिर सेंटीमीटर आया। आपको कहोगे सर मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो हम लोग 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, लेकिन पर जब हम मीटर क्यूब से, मीटर की जगह क्या लिखा हमने, मीटर क्यूब, जब हम सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे, यानी कि सेंटीमीटर से क्या लिखा हमने, सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या तब भी हम 100 से ही गुणा करेंगे? तो क्या तब भी हम 100 से ही गुणा करेंगे? बताइए, क्या तब भी हम 100 से ही गुणा करेंगे? आप कहोगे सर नहीं, हमने मीटर की जगह मीटर का क्यूब लिखा है ना, हमने सर सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर का क्यूब लिखा है ना, तो सर हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, हम सर 100 का क्यूब लिखेंगे। और 100 का क्यूब कितना होता है, जिस बच्चे को क्यूब नहीं आता वो समझ लो, 100 के क्यूब का मतलब है कि सर 100 को 3 बार गुणा करना, 100 गुणा 100 गुणा 100, यानी कि आप कहोगे सर एक के बाद में 6 जीरो आ रही है, एक के बाद में कितनी जीरो आ रही है सर, 6 जीरो, यानी कि हम 100 से गुणा नहीं करेंगे सर, 100 का क्यूब, या फिर सर हम एक के बाद में 6 जीरो लगा देंगे, इससे गुणा करेंगे। और जब हम उल्टे आएंगे तो सर हम भाग भी किससे करेंगे, एक के बाद में 6 जीरो लगा करके भाग करेंगे। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है, कितना, कि सर जब हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो सर हम गुणा करेंगे कितने से, 6 जीरो लगा देंगे, दो दो चार दो छ, और सर जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आएंगे तो सर हम भाग कर देंगे 6 जीरो लगा करके, 2 3 4 5 6, ठीक है, चलिए इतने समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, इसी रूपांतरण को सीखते हैं सर। हमें ये टेबल तो बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। चलिए अब आप हमें बताइए कि जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम 10 से गुणा करते हैं, ठीक है सर, लेकिन पर जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो जल्दी से बताइए टाइप करके कि हम कितने से गुणा करेंगे। सभी बच्चे टाइप करके बताएंगे कि कितने से गुणा करेंगे, कि जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे। आप कहोगे सर 10 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि सर हमने इसका क्यूब क्या है, हमने इसका भी क्यूब क्या है, तो सर हम गुणा भी 10 के क्यूब से ही करेंगे। और 10 का क्यूब कितना हो गया सर, 10 का क्यूब हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि सर 1000 हो गया, यानी कि हम गुणा करेंगे 1000 से। और जब सर हम वापस आएंगे मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में तो सर हम भाग कर देंगे 1000 से। इतना समझ में आया? चलिए अगर इतना समझ में आ गया तो वेरी गुड। चलिए अच्छा, आप में से कोई हमें बता सकता है टाइप करके कि जब हम मीटर से, एक होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, गैप कितना हो गया, कि जब हम मीटर से मिलीमीटर में डायरेक्ट जाएंगे तो सर 1 2 3 गैप है, सर हम 1000 से गुणा करेंगे। लेकिन पर कोई बच्चा हमें बता सकता है कि जब हम मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो हम कितने से गुणा करेंगे? बताइए टाइप करके कि हम मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो सर 3 गैप है, हम 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन पर जब हम मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो हम कितने से गुणा करेंगे? बच्चे यहां देखो कि जब हम मीटर से, अरे आप समझते नहीं हो, कि जब हम मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन पर जब मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? सर हम 1000 के क्यूब से गुणा करेंगे। और 1000 का क्यूब कितना हो गया, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, सर 3 3 6 3 9, सर एक के बाद में हम 9 जीरो लिखेंगे, 4 5 6 7 8 9, सर गुणा करेंगे हम एक के बाद में 9 जीरो लगा कर, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। लेकिन पर से जब हम उल्टे आएंगे तो सर हमें याद है कि उल्टे आते वक्त, सॉरी, हम भाग करेंगे, और कितने से सर, एक के बाद में 9 जीरो लगा करके हम भाग करेंगे, ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो अब आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना, हमने आपको सारी चीजें समझा दी है कि कैसे बनती है। अब आपको याद रखना है कि सर जब हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं तो सर हमें 100 का क्यूब, यानी कि 6 जीरो, 2 2 4 2 6 हम लिख देते हैं 6 जीरो, तो सर हमें 6 जीरो लगा करके गुणा करनी होती है। लेकिन पर सर जब हम उल्टा आते हैं सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर में तो
तो सर हमें 6-0 लगा करके भाग करना होता है, ठीक है बच्चे, 6-0 लगा करके। लेकिन पर जब सर हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाते हैं तो सर हमें 3-0 लगा करके गुणा करनी होती है, और जब हम उल्टा आते हैं तो सर हमें 3-0 लगा करके भाग करना होता है। अब आप हमें लिखकर बताओ कि अगर हम डायरेक्ट ही आने लगे कहां से कहां, मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में, तो आप लिखकर बताओ कि कितने जीरो से गुणा करेंगे, लिखकर बताओ कि कितने जीरो से गुणा करेंगे, लिखकर बताओ कि कितने जीरो से गुणा करेंगे। अगर हम मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में डायरेक्ट आने लगे तो बताओ हम कितने जीरो लगा करके गुणा करेंगे, एक के पीछे कितने जीरो लगा करके गुणा करेंगे, बताइए बच्चे। टाइप करो 7-0, 6-0, 9-0 या फिर 11-0, नंबर में देखो ऐसे टाइप कर दो 7, 6, 9, 11, बताइए। अरे बच्चे यहां देखो 6-0 तो हम यहीं पे लगा देते हैं, 3-0 यहां लगाते हैं, यानी कि जब हम मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में डायरेक्ट आएंगे तो सर हम 9-0 लगाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे, 9-0। कार्तिक बच्चे ध्यान दो, जिस बच्चे ने जिले सिंह के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो भी ध्यान दो बच्चे, ठीक है, कितनी जीरो लगाएंगे हम, 9-0, ठीक है। और हाँ अगर हम ऐसे ही उल्टे भी आने लगे सर मिलीमीटर क्यूब से, अगर हम डायरेक्ट मीटर क्यूब में आने लगे तो बताओ कितने जीरो लगा करके भाग करेंगे, बताइए कितने जीरो लगा करके भाग करेंगे। आप कहोगे सर एक के पीछे 9-0 लगा करके भाग करेंगे, ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा, चलिए सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आप देखो, अब आप सबसे पहले सीखो, अभी रुक जाइए बच्चे, अभी सभी बच्चे सीखेंगे धारिता की इकाइयों के बारे में, रूपांतरण की बात नहीं कर रहे हैं, धारिता की इकाई के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, धारिता की इकाई के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था जो धारिता की इकाई होती है कौन कौन सी होती है, आप कहोगे सर हमने पढ़ा था एक तो लीटर जिसके अंदर हम दूध लेकर आते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं सर, एक हमने पढ़ा था मिलीलीटर ML जिसके अंदर हमारी दवाइयां आती हैं, इंजेक्शन आते हैं वो ML के अंदर आते हैं सर, एक हमने पढ़ा था किलोलीटर, और किलोलीटर क्या होती है, एक बड़ी इकाई होती है, किलोलीटर क्या होती है, एक बड़ी इकाई होती है, ठीक है सर, ये हो गई धारिता की इकाइयां। अब हम पढ़ेंगे कि एक धारिता की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मम्मी जी ने आपसे कहा कि बाजार जाओ और 1 किलो आलू लेकर आओ, तो आप क्या करोगे, सर 1 किलो आलू तो हम ऐसे भी लेकर आ सकते हैं कि एक दुकान से आधी किलो ले लें 500 ग्राम, और सर दूसरी दुकान से भी आधी किलो ले लें 500 ग्राम, सर जोड़ कर तो 1 किलो मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी कि आपने कहा सर 1 किलो आलू का मतलब है कि सर 1 किलो आलू का मतलब है 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, और सर ये हो गया हमारे पास में 1000 ग्राम, हो गया कि नहीं हो गया बच्चे। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि ये तो 1 किलो आलू की बात थी, अगर हम इसको छोड़ दें तो हम लीटर लिख सकते हैं क्योंकि पानी लीटर में आता है, तो हमें बच्चे ये लिखना पड़ेगा कि जो 1 लीटर होता है, जैसे 1 किलो, यहां से पता लग गया हमें कि जो 1 किलो है वो 1000 ग्राम के बराबर है, तो इसी तरीके से हमें याद रखना है कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 ML के बराबर होता है, याद रहेगा सभी को कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 ML के बराबर होता है, ठीक है, यानी कि आपको एक तो इतना याद रखना है कि सर ठीक है हमें याद हो गया कि जो 1 लीटर होता है वो 1000 ML के बराबर होता है, ठीक है, कि जो 1 लीटर होता है सर वो 1000 ML के बराबर होता है, एक तो आपको ये याद रखना है बच्चे, ठीक है, कि 1 लीटर में कितने ML होते हैं, 1000 ML होते हैं। चलिए ये तो हो गई कि सर इधर भी क्या लिखा हुआ है, सर इधर भी धारिता लिखी हुई है, इधर भी लीटर लिखा हुआ है, यानी कि सर इधर भी धारिता लिखी हुई है, ये रही धारिता, और सर इधर भी धारिता की इकाई लिखी हुई है ML धारिता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग, अलग का मतलब है कि अब हम पढ़ेंगे कि आयतन को धारिता में कैसे बदलते हैं, अगर यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो माइक ओपन करके बोल सकते हैं, कोई बच्चा अपना माइक ओपन कर रहा है, और अगर गलती से माइक ओपन हो गया तो प्लीज बंद रखना, ठीक है, अगर किसी बच्चे का माइक ओपन गलती से हो गया तो प्लीज बंद रखना, बताइए किसी का कुछ डाउट है, अगर डाउट है तो जल्दी बोलिए बच्चे, ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है, अब चलते हैं आगे।
देखो ये तो हो गई हमारे पास में धारिता, दोनों तरफ धारिता लिखी हुई है। अब हम पढ़ेंगे आयतन और धारिता के बारे में कि आयतन और धारिता में क्या संबंध होता है। देखो सबसे पहले तो हमने इतना तो आपको बता ही दिया है भाई, ये कौन है सुनील, सुनील के नाम से जिस बच्चे ने, सुनील कसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। देखो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, या तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे अगली बार आपका माइक ऑन होगा, या फिर आप अपना माइक बंद करके बैठिए बच्चे। देखिए एक तो आपको ये याद रखना है। अब देखो दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं 1 मीटर क्यूब में। अब आप कहोगे सर इधर तो हमारे पास में आयतन आ गया है, बिल्कुल ये आयतन की इकाई है, और इधर सर हमारे पास में धारिता की इकाई आ गई है, ये बिल्कुल ठीक है कि धारिता की इकाई है। अब आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, 9th और 10th क्लास के अंदर ये वाला बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको याद करने का एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि याद कैसे रहेगा। देखिए आपको ऐसे याद रखना है कि आपकी डब्बी में एक फीटा आता है, स्केल आता है, और वो 15 सेंटीमीटर का होता है। वो कितने का होता है? 15 सेंटीमीटर का। लेकिन पर 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर अगर आपको बनाना है तो आपको कम से कम लगभग लगभग आपको 7 फीटे ऐसे रखने पड़ेंगे, एक फिर दूसरा जोड़ा फिर तीसरा जोड़ा फिर चौथा जोड़ा फिर पांचवा जोड़ा फिर छठा जोड़ा फिर सातवा जोड़ा, लगभग लगभग 7 फीटे आपको ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, जब जाके आपका कितना बनेगा 100 सेंटीमीटर के करीब में आएगा, क्योंकि 15 सत्ते 105 होते हैं। तो जब आप 7 फीटों को ऐसे रख दोगे यानी कि आपके पास में 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो हमारे पास में 1 मीटर क्यूब होता है, अब आप इस चीज को समझना कि हमारे पास में जो 1 मीटर क्यूब होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। अब जैसे कि आप खेतों पे नहाने के लिए जाते हैं 12th के अंदर, आप खेतों पे नहाने के लिए जाते हैं 12th के अंदर, तो वहां पर एक कुंड बना होता है नहाने के लिए जिसको हम होदी बोलते हैं। तो आप देखो अगर उस होदी की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और उस होदी की गहराई 1 मीटर कर दी जाए, तो उस होदी के अंदर नहाने के लिए कितना पानी आ सकता है? आप कहोगे सर 1000 लीटर पानी आ सकता है। कितना आ सकता है? 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर बना दोगे होदी की कुंड की, तो नहाने के लिए 1000 लीटर पानी आ सकता है। इतना सभी को समझ में आ गया? तो जल्दी से वाई टाइप करो कि सर हाँ समझ में आ गया है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए इसी तरीके से सर हमें एक और याद रखना है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। कितना होता है? 1 लीटर। और आपको इसको ऐसा भी याद रखना है उल्टा कि सर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी याद रखना है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं सर, क्योंकि यहाँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1000 सर 10 10 10 गुणा करके आया होगा, यानी कि जब हम 10 की गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, उसको हमने काट दिया, एक स्केल को जो फीटा होता है उसको हमने काट दिया और 10 सेंटीमीटर जितना लंबा लिया। अब देखो छोटा सा स्केल आपके हाथ में, अगर आपने एक डब्बा बनाया, उस डब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उस डब्बे की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, उस डब्बे की गहराई भी 10 सेंटीमीटर है, तो वो डब्बा जो आपके हाथ में होगा क्या उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, उस डब्बे में 1 लीटर ही पानी आ पाएगा। जिस डब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 10 सेंटीमीटर होगी, वो डब्बा आपके हाथ में होगा क्योंकि एक फीटे से भी छोटा है, उस डब्बे के अंदर आप कितना पानी रख सकते हो? 1 लीटर पानी रख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, एक चीज, दूसरी चीज 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, और तीसरी चीज कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, या फिर उल्टा कह दो सर 1 लीटर से मिलकर बनता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए शायद इतना सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे और फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए इतना सभी को समझ में आ गया। अब आप लोगों के सामने सवाल है, सवाल नंबर 52। तो हम
सवाल नंबर 52 होल सेक्शन में रख देते हैं, और फिर हम आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि आपको इसके अंदर करना क्या है। देखिए, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि बताइए, पोल के अंदर रख दिया है बच्चे, पोल के अंदर रख दिया है कि 40 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर बताइए कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास में 40 सेंटीमीटर क्यूब है, बताइए कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे। ठीक है, कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे। तो सभी बच्चे क्या करें, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं करने के लिए कि कैसे आपको हिंट कर देते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए, आपको हमने टेबल याद कराया था, मीटर होता है, उसके बाद में डेसीमीटर होता है, उसके बाद में सेंटीमीटर होता है, उसके बाद में मिलीमीटर होता है। अगर आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हो तो आप 10 से गुणा करते हो, लेकिन पर आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाते वक्त आप कितने से गुणा करते हो। आप उस नंबर को ढूंढिए और आप यहां पर फिर कन्वर्ट कीजिए कि 40 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होंगे। तो हमने आपको छोटा सा हिंट दे दिया है, आप सभी बच्चे यहाँ से उस नंबर को निकाल सकते हैं, उस नंबर को निकालिए और फिर आप अपना आंसर निकालिए और उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ भी गया है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में सॉरी पोल सेक्शन के अंदर फिर उसको वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप लोगों के पास में अब आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट सर मेरा करें। पोल में गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी खोला जाएगा बच्चे, तो आप उसके अंदर चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेज देना। तो काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि बचे हुए बच्चे भी जल्दी से हल करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे चैट सेक्शन पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है, पर फिर भी हम बता देते हैं किसी बच्चे का गलत हुआ है। जैसे कि अभी रंजीत राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, वो कह रहे थे कि पोल में गलत हो गया, बच्चे आपने चैट सेक्शन में भी गलती भेज दिया है। देखिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जिन बच्चों का आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं आया वो समझिए, और जिनका आ गया वो भी प्लीज बैठ के अच्छे से समझना। देखिए, लिखा है कि बताइए 40 सेंटीमीटर क्यूब में बताइए कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। तो हमने आपको हिंट भी दिया था कि देखो, एक टेबल तो आपको याद रखना ही है, मीटर, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। आप कहोगे सर सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाते वक्त एक ही गैप है, यानी कि हमें 10 से गुणा करना है, लेकिन पर अगर हम सभी का क्यूब कर दें कि हमें सेंटीमीटर क्यूब से हमें मिलीमीटर का क्यूब जाना है, तो आप कहोगे सर हम गुणा भी 10 के क्यूब से ही करेंगे और सर 10 का क्यूब होता है 1000। तो यानी कि हम सामने लिखे हुए नंबर को 1000 के साथ गुणा कर देंगे और सर हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 मिलीमीटर क्यूब। तो अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजिए जिनको समझ में आ गया है। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजिए। और प्लीज रंजीत राजपूत के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, प्लीज वो एक बार बताइए उनको समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो आप देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। आप कहोगे सर इसका आंसर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन डी सही है, 40,000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 53 है। सबसे पहले हमने किया चैट सेक्शन बंद, उसके बाद हमने कर दिया आपके पोल सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 53 हमने रख दिया है, और अब हम जाकर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि सवाल के अंदर आपको दिया क्या क्या है। देखिए, आपको दिया गया है 3 के बाद में कितनी जीरो लिखी है सर, 2, 2, 4, 2, 6 और 3, 9। 3 के बाद में 9 जीरो लगाई गई है, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9। लिखा है मिलीमीटर क्यूब और पूछा गया कि आंसर बताओ मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है,
तो एक टेबल आपको पता है और हम उसको एक बार फिर से हिंट के तौर पे लिख देते हैं, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है, कि एक होता है हमारे पास है मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है हमारे पास है सेंटीमीटर और एक होता है हमारे पास है मिलीमीटर। हमने हिंट के तौर पर आपको टेबल बना के दे दिया है और आपसे पूछा गया कि बताओ मिलीमीटर क्यूब से जब आप मीटर क्यूब में आओगे, यानी कि आपने कहा सर 1 2 3, सर 3 गैप है, तो मिलीमीटर क्यूब से जब हम मीटर क्यूब में आएंगे तो आप एक नंबर निकालिए कि आपको कितने से भाग करना है, आप उससे भाग कीजिए और जो आपका आंसर आ जाए उसको जा करके आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, हमने सिर्फ आपको हिंट दिए, आपको आंसर नहीं बताया है, दिमाग आप अपना लगाएंगे और उसको हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप उसको वोट करोगे। और बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट भी कर दिया है, तो सभी बच्चों के पास में सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम है कि 7:50 से पहले पहले आप जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से उसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर पोल सेक्शन वोट ही नहीं हो रहा। ललित बच्चे, आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा एक्टिविटीज के अंदर, जो 3 डॉट पे क्लिक करके रहता है। बच्चे वोट कर रहे हैं सर बच्चे? वो तो मिल हाँ, सर मेरा वोट पर क्लिक करते सर होता ही नहीं है। अच्छा, आपने कोई से ऑप्शन पे क्लिक करा जो भी आपको सही लग रहा होगा उस पर क्लिक करो और उसके नीचे देखो नीला सा हो जाता है, फिर तो वहां वोट लिखा हाँ आता है। सर वो तो पता है मुझे, पर सर वोट ही नहीं हो रहा, वो नीला ही रहता है, वोट नहीं दिखाता। तो शायद आपको मतलब जो मोबाइल इसको सपोर्ट नहीं करता, कोई बात नहीं, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं हो पाता है किसी वजह से तो वो चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजना, ठीक है ललित? चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है और देख रहे हैं हम कुछ बच्चों की जीरो की गड़बड़ हो जा रही है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आप सभी को। तो आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि जिन बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है वो जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करो और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। तो अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे तो वो भी जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा वरना तो आपको सर समझ में नहीं आया। देखिए क्या चीज आपको दी गई है और आपसे क्या चीज पूछी गई है। आपको दिया गया है कि 3 के पीछे 9 जीरो लगा रखी है, 2 2 4 2 6 और 3 9, लिखा है मिलीमीटर क्यूब और आपसे पूछा गया कि आंसर बताओ मीटर क्यूब में। बच्चे आपको सिर्फ एक रिलेशन बताया गया कि ये टेबल याद कर लो, ये आपको याद ही करना है, मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। जब आप देखोगे कि सर हम मीटर से जब हम मिलीमीटर तक का गैप देखेंगे तो कितना गैप है, आपको कहे सर 1 2 सिर्फ 3 गैप है, यानी कि इधर आते वक्त सर हम 1000 से भाग करेंगे, 1 2 3। बात ये मिलीमीटर और मीटर की थी, लेकिन पर जब हम इसका क्यूब लिख देंगे, सर हमने इसका क्यूब लिखा, फिर सर हमने इसका क्यूब लिखा, सॉरी मिलीमीटर का क्यूब लिखा, तो सर जब हमने क्यूब लिखा है तो इधर वापस आते वक्त सर हम 1000 से भाग नहीं करेंगे, 1000 का क्यूब से भाग करेंगे। और जो 1000 का क्यूब होता है वो कितना होता है, आपको भी सर 1000 का क्यूब होता है 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। सर जब हम इनको गुणा करेंगे तो 9 जीरो आएंगी, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी कि आपको 9 जीरो से भाग करना है, किससे भाग करना है, 9 जीरो से, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी कि सामने लिखी हुई संख्या को 1 के बाद में 9 जीरो लगा करके भाग कर दो, आ गया आपका आंसर। और जब आप भाग करोगे तो 9 की 9 जीरो इसके साथ में कट जाएगी, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 3 मीटर क्यूब। पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप सभी बच्चे वाई टाइप करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया है, और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो एन टाइप करके बताइए जल्दी से। अब आप देख सकते हो कि आपके आंसर किस किस के गलत हुए थे, कम से कम 4 5 बच्चों का आंसर गलत था,
तो अब आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो इसका आंसर कौन सा सही है? आपको भी सर इसका ऑप्शन ए सही है, 3 मीटर क्यूब। देखिए अब हम कर देते हैं आप लोगों को चैट सेक्शन बंद, क्योंकि सभी ने कमेंट सेक्शन में बता दिया है कि सभी को समझ में आ गया। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने आपके पोल सेक्शन के अंदर रख दिया प्रश्न नंबर 44, जिसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है हम लिख देते हैं। आपसे पूछा गया है कि 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए, यानी कि आपसे पूछा गया है कि बताइए 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। और हमने आपको आज ही याद कराया था अभी अभी कि अगर आपको ये याद है कि 1 मीटर क्यूब में 10 लीटर होते हैं, तो आप आंसर बता दोगे कि 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। और हम आपको थोड़ी सी हिंट और दे देते हैं। ये आपको हमने बताया था कि अगर आप खेतों में नहाने के लिए जाते हैं तो आप देखोगे कि अगर उस कुंड की 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई और 1 मीटर की ऊंचाई बना दी जाए तो उसमें नहाने के लिए कितना लीटर पानी आ सकता है। याद कराया था अभी, याद करो उस संख्या को और उस संख्या को आप कन्वर्ट कीजिए जल्दी से कि 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होगा, और आंसर कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। चलिए आंसर भी करना शुरू कर दिया बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करेंगे। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि तो काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है। अब आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर ये सही है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो हमने आपको याद कराया था, क्या याद कराया था, कि आपसे पूछा गया सॉरी 40 मीटर क्यूब में बताइए कितने लीटर होते हैं, कितने लीटर होते हैं। और हमने आपको आज ही याद कराया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। पूछा गया है बताइए 40 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो आपने 40 से गुणा किया, तो आपने इधर भी कितने से गुणा कर दिया, 40 से। और जब आप 40 की गुणा 1000 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 40,000 लीटर। तो आप देखेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपको भी सर ऑप्शन सी 40,000 लीटर सही आंसर है। अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 55 है, जिसके अंदर लिखा गया है कि बताइए 10 लीटर में, 10 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपसे बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन, और पोल सेक्शन के अंदर हमने रखे सवाल नंबर 55। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, क्योंकि हमने आपको बताया था, पूछा गया कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अगर आपको ये नंबर याद है जो हमने आपको बताया था कि डैश कि हमने आपको बताया था कि डैश सेंटीमीटर क्यूब मिलकर के कि अरे भाई नंबर क्यों लिख दे रहे बार बार, डैश सेंटीमीटर क्यूब मिलकर के डैश लीटर बना देते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था फीटा वाला, कि अगर आप फीटा को काट के छोटा कर दो और जो डब्बा बनेगा आपके हाथ पर होगा तो उसके अंदर डैश सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डैश लीटर होंगे। और फिर हमने कहा था कि आप इसको ऐसा भी याद करना कि समझे डैश थे लीटर में डैश सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है,
तो सभी बच्चे इसको जल्दी से याद कीजिए जो हमने आपको याद कराया था, और उसका इस्तेमाल करके इसका सही आंसर बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने सिर्फ आपको हिंट किया है, बाकी आप इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। काफी सारे बच्चों ने तो पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सिर्फ आपको एक नंबर चाहिए, आप उसको याद कर लो कि 1 लीटर में इतने दस सिक्के क्यों हजार होते हैं। बच्चे माइक बंद रखेंगे सभी अपना। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है पर वो आंसर नहीं कर पाए थे, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए कि 10 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हमने आपको आज ही याद कराया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, या फिर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए बच्चे कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आपसे पूछा गया 10 लीटर के अंदर, यानी कि आपने 10 से गुणा कर दी 1000 को, और आंसर कितना आ गया, 10000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कुछ बच्चे थे जैसे कि संजय कुमार के नाम से, शायद भूमिका ने क्लास ज्वाइन की है। एक बार आपसे बच्चे हमें जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, आपको समझ में आ गया, जल्दी से एक बार वाई टाइप करके बताइए समझ में आ गया। ठीक है चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपको भी सर इसका सही आंसर क्या है, बी 10000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये आप लोगों का होमवर्क है कि प्रश्नावली 1.8.1 जो कि पेज नंबर 143 पर है, और उसके 500 सवाल आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है जिन बच्चों के पास में वर्कबुक है, ठीक है, और जिन बच्चों के पास में वर्कबुक नहीं है वो जल्दी से अपना माइक ओपन कीजिए और बताइए।